गाइज़ आज जय मुझे अकेला छोड़ गए मुझे लगता है कि दो दिन पहले मैंने उनको आप सभी के साथ अकेला छोड़ा था और आप सबको जब वो अकेले डिटेल्स दे रहे थे तो बुरा मान गए थे मेरे हिसाब से पर लेकिन आप चिंता मत करिए क्योंकि आप अकेले नहीं हैं क्योंकि मैं हूं ना और मैं ही आपका स्वागत करता हूं सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान में और वुमेन्स प्रीमियर लीग के मुकाबला नंबर छः की बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में जो मुकाबला होगा मुकाबला नंबर छः की पर उससे पहले मैं आपको मुकाबले नंबर पाँच की एक अच्छी बात बताना चाहूँगा जो हमने आर की पिक उठाई थी सोफ़ी मोलिन्यू जो कि 43 परसेंट लोगों ने भी पिक करी थी और उनको पसंद आई थी और साथ ही साथ 100 परसेंट पॉइंट्स उन्होंने जितवा कर दिए थे और इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों ने 43 परसेंट लोगों जित जिन्होंने भी पिक करी थी उनको 100 पॉइंट्स मिले और यही सबसे बड़ी खुशखबरी और यही सबसे अच्छी बात मेरे को लगी अब लेकिन सीधा मुकाबले की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के यूपी वॉरियर्स वर्सेज मुंबई इंडियंस के बीच में जो मुकाबला खेला जाएगा एम चिनोस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में पिच रिपोर्ट के बारे में आपको मैं हमेशा ही बता चुका हूँ कि कैसी रहती है बेंगलुरु स्टेडियम की पिच फ्लैट रहती है बैटिंग फ्रेंडली रहती है पर पर लेकिन लेकिन डिटेल में आगे बताऊंगा मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन्होंने इस सीजन में दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल करी है यूपी वॉरियर्स ने आरसीबी के खिलाफ एक मात्र मुकाबला खेला था उसमें हार का सामना करना पड़ा था पर लेकिन इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी यूपी वॉरियर्स मुंबई इंडियंस के खिलाफ और मुंबई इंडियंस अपना तीसरा मुकाबला खेलने उतरेगी यूपी वॉरियर्स के खिलाफ टॉपिक्स की बात करेंगे दोनों टीमों में से और फिर उसके बाद हम चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फैंटेसी इलेवन पर और वही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार हमारी हर वीडियो में करते रहते हो पर लेकिन अगर आप स्वामी स्टेडियम के पिच की बात करें आप जानते हैं कि चेजेबल यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है और हमेशा से बैटिंग फ्रेंडली जो है पूरे तरीके से पिच रहती है गेंद अच्छे तरीके से बल्ले पर आता है पर हाँ लेकिन आपको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स चुनने होंगे जो कि स्पिनर्स भी हों यानी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स क्योंकि अगर स्पिनर्स बल्लेबाज से गेंद थोड़ा दूर रखेंगे और अवे रखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उनको सफलता मिले और इसी हिसाब से हमने जो है टॉप पिक्स भी अपने चूज करें तो सबसे पहले दोस्तों मैं मुंबई इंडियंस वुमेन की तरफ से अगर मैं तीन टॉप पिक्स बताऊँ तो वो कुछ ऐसी हैं नाइट शेवर ब्रं हेली मैथ्यूज और अमिलिया कर दोस्तों ये तीन टॉपिक्स मैंने बताया मुंबई इंडियन की तरफ से अब मैं आपको बताऊंगा यूपी वॉरियर्स वुमेन की तरफ से तीन टॉपिक्स एलिसा हेली सोफी एक्लिस्टन और दीप्ति शर्मा तो दोस्तों फिर से वही आ, तीन टॉपिक्स मैंने आपको बताया यूपी वॉरियर्स वुमेन की तरफ से अब आपके ऊपर है आपको जो है तीनों में से यूपी वॉरियर्स के तीन रेस्पेक्टिव पिक्स की तरफ से या मुंबई इंडियंस की जो रेस्पेक्टिव जो तीन मैंने आपको बताए हैं उन पिक्स की तरफ से आपको कौन पसंद है इन तीनों में से आप मैं तो कहूँगा कि ये छः के छः चुनिए आप रेस्पेक्टिव टीम में से पर लेकिन आपकी पसंद भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं पर अब सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी की बात करेंगे फैंटेसी इलेवन की और अब दोनों टीमों की तरफ से कंबाइंड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारी कुछ इस तरह रहेगी। में अलिशा हीली और यस्तिका बाटिया बल्लेबाजों में ग्रेस हैरिस और हरमनप्रीत कौर ऑलराउंडर्स में हेली मैथ्यूज दीप्ति शर्मा अमिलिया कर और तहिला मैग्राथ गेंदबाजों में एक्लेस्टन और शबनम इस्माइल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो वो आ, दोनों कुछ ऐसे रहेंगे वाइस कैप्टन हमारी नेशनल ब्रंट रहेंगी और अमिलिया कर हमारी कप्तान रहेंगी और ऑलराउंडर्स चुनना दोस्तों आपको इस फैंटेसी इलेवन में बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि जब ऐसी पिचों पर मुकाबला होता है जैसे कि बेंगलुरु में ये मुकाबला चल रहा है वहां पर फ्लैट विकेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑलराउंडर्स तभी रखने पड़ेंगे क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट में आपको एक्सेल करवा के देंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दोनों तरफ से आपको जो है मिलेंगे तो ये थी पिच रिपोर्ट बेंगलुरु स्टेडियम की

में। वो भी हम आपको उसी में बताते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स को हमारे आप ज्वाइन करें चैनल जो हमारा है सीडी फैंटेसी शो उसको भी आप हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और एक एक वीडियो हमारी शेयर करें फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास वीडियो में इतना ही और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इस वीडियो पोस्ट होने के बाद के आप इस टीम से कितना इनाम जीत पाए